दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कब आपको यूनिवर्सिटी में विजिट करना है, कब आपको रिपोर्टिंग करना है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस पड़ी हुई है, इसको देखिए आप लोग। इसको सबसे पहले हम करते हैं डाउनलोड। दोस्तों जैसे इसको डाउनलोड करते हो आप, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, जो कि आया हुआ है 16 तारीख को। ठीक है जी, 16 तारीख को ये नोटिस आया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जानने हो गया कि ऑल द एडमिशन ऑफिसर्स टू बेलो मेंशन कोर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया है, हियर बाई इन्फॉर्म डैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट इज शेड्यूल एट द यूनिवर्सिटी एज पर द फॉलोइंग डेट। ठीक है जी, अब बात समझिएगा आप लोग, यहाँ पे किस डेट को जो है वो करना है और कब आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचना है। ठीक है, पहले आप लोग डेट देखिए और कहाँ जाना है, फिर मैं आपको वेन्यू भी बताऊँगा। देखिए डेट क्या है यहाँ पर, 19 तारीख को, ठीक है, यानी कि 19 को मंडे पड़ रहा है जिस दिन, उस दिन केवल और केवल DMLT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। DMLT का दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं दिल्ली नॉन दिल्ली कैंडिडेट सभी को इसी दिन आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ऑल कैटेगरी दिल्ली जनरल OBC SC ST EWS नॉन दिल्ली दिल्ली सबको जो है DMLT के लिए 19 तारीख को जाना है। बात आती है यहाँ पर BMLT की, तो दोस्तों BMLT के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑल द कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली नॉन दिल्ली SC ST OBC सबको जो है 20 तारीख को यहाँ पे विजिट करना है यूनिवर्सिटी में। फिर आती है 21 को दोस्तों विजिट करना है बी फार्मा लेटरल एंट्री SPS और डिप्सा, मतलब क्या है यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कि SPS अर्थात स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डिप्सा में एडमिशन मिला हुआ है, बी फार्मा लेटरल एंट्री वालों के लिए है, ये नॉर्मल कोर्स के लिए नहीं है, लेटरल एंट्री वालों के लिए है, तो 21 को जाना है इनको। ठीक है, अब जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के हैं यानी कि BPT के, उनको जाना है दोस्तों 22 को अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं और डॉक्यूमेंट को किस सीक्वेंस में रखना है। ठीक है जी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में देखो कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो कौन से सीक्वेंस में आपको रखना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग घर से जब निकलते हो तो आपको ये पता नहीं रहता है, फिर वहाँ पर जाकर दिक्कत होता है, और दोस्तों वहाँ पर संख्या जो है बहुत ज़्यादा, भीड़ जो है बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो अब तक जो है जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कि प्रोविजनली जो है फीस को अपने सबमिट कर सकें, उन सभी को जाना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करना है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अरेंज करने का मैंने तरीका इस वीडियो में बता रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, या तो अभी जब वीडियो समाप्त होगी तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। और देखो आप लोग को एक चीज़ मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा, जो भी ऐसे आपको करना क्या है दोस्तों, अपने जो फीस का है उसका स्क्रीनशॉट जो होगा SS होगा उसका, उसका आप लोग जो है निकलवा लीजिएगा उसका प्रिंट, क्योंकि आपको ये ज़रूरत लगने वाली है वहाँ पे, तो SS आप लोग उसका निकलवा लीजिएगा, जो भी आपने फीस पेमेंट किया था आपके ईमेल पर आया हुआ था उसका आप लोग SS ले लीजिएगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है जी यहाँ पर बी फार्मा वालों को कब जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बी फार्मा SPS और डिप्सार, SPS और डिप्सार का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए आप SPS में तो मतलब हुआ स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च अर्थात डिप्सरू की भी, डिप्सरू DPSR & U। ठीक है, और दूसरा हुआ डिप्सार यानी कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, तो दो यहाँ पे कैंपस इसके अलग अलग हैं, लेकिन आपको दोस्तों 26 और 27, यहाँ पे देखिए 26 और 27, इसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि 26 और 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, बी फार्मा SPS और डिप्सार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए आपको जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका कि SPS अर्थात डिप्सरू में एडमिशन हुआ होगा DPSRU, ठीक है जी, तो आप लोग क्या करना, आप लोग को 26 को जाना है। ठीक है, और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि डिप्सार में एडमिशन हुआ होगा उनको जाना है 27 को। देखिए यहाँ पे एंड यहाँ पे लगा रखा है, तो आप लोग ये जानने योग्य है कि जो भी कैंडिडेट है जिनका कि SPS में एडमिशन हुआ है उनको जाना है दोस्तों 26 को, जिनका जो है डिप्सार में हुआ उनको जाना है 27 तारीख को। अब कहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए
टाइम यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, कब जाना है। देखिए आप लोग थोड़ा सा एक नोटिस को ध्यान दीजिएगा कि ऑल द एडमिशन ऑफिसर मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द स्मूथ प्रोसेस, ठीक है। वेन्यू इन्होंने दे रखा है LT 101 फर्स्ट फ्लोर न्यू बिल्डिंग डिप्सरू, ठीक है जी। देखिए वेन्यू जो है वो है LT 101 फर्स्ट फ्लोर न्यू बिल्डिंग डिप्सरू, टाइम जो है 10:30। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि स्टूडेंट को आना है डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन है, केवल और केवल जो गाइड किया गया है वो प्रोफेसर्स के लिए किया गया है। ऑल द एडमिशन ऑफिसर बिलो द मेंशन कोर्सेज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनली एडमिट कैंडिडेट शेड्यूल एज पर यूनिवर्सिटी एज पर फॉलोइंग डेट, ठीक है जी। तो देखो अभी जो है यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि स्टूडेंट को लेकर जाना है, ठीक है। देखिए बीच में अगर कोई भी नोटिस निकलती है, ठीक है जी, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के इस जगह पहुँचना है। वेन्यू क्या है? LT 101 फर्स्ट फ्लोर न्यू बिल्डिंग डिप्सरू, ठीक है जी। अगर कोई नोटिस आती है स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी, तब तो आप लोग समझना कि आप लोगों के लिए ही नोटिस है। अगर नहीं आती है, ठीक है, तो एक बार आप लोग कॉल करके यूनिवर्सिटी में ज़रूर पता कर लेना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि स्टूडेंट को जो है लेकर जाना है, ठीक है। कहीं भी आप लोग नोटिस में पढ़ लो, कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना, बाकी ऐसे कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू बताऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे ऐसे एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।